सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। तो आज के समय में मोबाइल फोन कौन यूज नहीं करता और ये कितना ज्यादा यूजफुल हो गया है ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। लगभग आज के समय में हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है, लेकिन दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हमारा फोन पानी में गलती से गिर जाता है या फिर हमारे फोन के अंदर पानी घुस जाता है, जिसके कारण हमारा फोन खराब हो जाता है यानी बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन पानी में चला गया है और उसके वजह से आपका फोन खराब हो गया, ऑन नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से आपका फोन ठीक हो जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारो आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों अक्सर हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा फोन पानी में गिर जाता है या फिर हमारे फोन के अंदर पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से हमारा फोन खराब हो जाता है। उसके बाद जब हम अपने फोन को ऑन करते हैं तो वो फोन ऑन नहीं होता। तो ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा फोन पूरी तरह खराब हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी लोग बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनका फोन पूरी तरह खराब हो जाता है। तो ये गलतियां कौन सी हैं जो बहुत से लोग करते हैं जिनके वजह से उनका फोन पानी में गिरने के बाद पूरी तरह खराब हो जाता है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ये गलती कौन सी है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका फोन पानी में चला जाए तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि अगर आपका फोन पानी में चला जाए या फिर आपके फोन के अंदर पानी घुस जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, स्विच ऑफ योर फोन। सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है। अक्सर लोग अपने फोन को जबरदस्ती ऑन करने की कोशिश करते हैं जब उनका फोन पानी में गिर जाता है या फिर उनके फोन के अंदर पानी घुस जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपका फोन ऑन नहीं होता तो बहुत से लोग जबरदस्ती फोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जिनकी वजह से उनका फोन शॉर्ट सर्किट हो जाता है यानी उनका फोन पूरी तरह खराब हो जाता है। मैं आपको बता दूं, फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर इसके अंदर पानी चला जाता है और आप उसे जबरदस्ती ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका फोन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसकी वजह से आपका फोन पूरी तरह कंप्लीटली खराब हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फोन को जबरदस्ती ऑन करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 2, फोन को स्विच ऑफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने फोन के बैटरी, सिम कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड को निकाल के बाहर साइड में रख देना है। अगर आपके फोन में बैटरी नॉन रिमूवेबल है यानी आपके फोन का बैटरी नहीं निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपके फोन में जो भी चीजें हैं जैसे कि मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, उसे निकाल के आप एक साइड में अलग से रख दें। इसके बाद आप अपने फोन को सूखने के लिए रख दें। बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपने फोन में मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड को नहीं निकालते या फिर बैटरी को नहीं निकालते, जिनके वजह से उनका बैटरी भी खराब हो जाता है, मेमोरी कार्ड भी खराब हो जाता है और सिम कार्ड भी खराब हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। स्टेप नंबर 3, अपने फोन को ब्लू ड्रायर से सुखाने की कोशिश करें। ब्लू ड्रायर को हम हेयर ड्रायर भी कहते हैं, जिसका बेसिकली यूज किया जाता है बालों को सुखाने के लिए। लेकिन आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं अपने फोन को सुखाने के लिए। इसकी मदद से आप अपने फोन के अंदर जो भी पानी है उसे सोख सकते हैं यानी सुखा सकते हैं ब्लू ड्रायर की मदद से। आपको बस क्या करना है, अगर आपके पास ब्लू ड्रायर है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब आपको क्या करना है, अपने फोन को कच्चे चावल के अंदर कम से कम 10 से लेकर 12 घंटे तक ढक के रख देना है। इससे क्या होगा, अगर आपके फोन में जरा सा भी पानी बचा हुआ है तो वो सारा का सारा पानी, कच्चा चावल, पूरी तरह सोख जाएगा, जिससे आपके फोन में किसी भी तरह का पानी नहीं बचेगा, यानी आपका फोन पूरी तरह सूख जाएगा, जिससे आपके फोन में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा खत्म हो जाएगा। तो 10-12 घंटे के बाद आप अपने फोन में बैटरी लगाए, मेमोरी कार्ड लगाए और सिम कार्ड लगाए और इसे दोबारा ऑन करने की कोशिश करें। लगभग 90% चांसेस है कि आपका फोन ऑन हो जाएगा यानी आपका फोन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप ये सब स्टेप फॉलो करके अपने फोन को ठीक कर सकते हो अगर आपका फोन पानी में गिर गया है या फिर आपके फोन के अंदर पानी घुस गया है और आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये सब स्टेप फॉलो कर सकते हैं और अपने फोन को ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और यदि मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और अगर आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी देखा चल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।